एक्ट्रेस अनुपमा में काव्या ने उठा लिया है बहुत बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, देखने को मिलने वाला है कि काव्या बुरी तरह से रोते नजर आएगी, वनराज के सामने गिड़गिड़ाते नजर आएगी और कहेगी कि उसे अब वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन उसका हो चुका है, बुरी तरह से टूट चुकी है। अनुपमा उसे जाकर संभालती है डोली के कहने पर और वनराज को भी एडवाइस देती है कि हम अपने बच्चों के सामने क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं इस तरह के हमेशा रिश्ते तोड़कर। आपने देखा ना किस तरह से पाखी ने, तो पाखी का तो शादी से विश्वास ही उठ गया है। अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो हम हमारी आने वाली जनरेशन को क्या सिखाएंगे। जिसके बाद में वनराज कहता है कि तुम इसके आंसू मत पोंछो और ना ही यहाँ पर महान बनने की कोशिश करो। तो अनुपमा मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि मेरी इंसानियत है कि अभी काव्या को बहुत बुरा हर्ट हो रहा है। तो वहीं पर काव्या भी बुरी तरह से उस पर भड़कती है और उसको धक्का भी मारती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी हालत अनुपमा को समझ आ रही होती है। अनुपमा काव्या को भी संभालती है और वनराज को भी, और यहाँ पर काव्या तो कहती है अब मेरा मर जाना है अच्छा, और वो अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। लेकिन इतनी देर में वनराज उससे सब कुछ छीन लेता है हाथ से और उसको कहता है कि बहुत हो गया नाटक, अगर ड्रामा खत्म हो गया हो लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। तो वहीं उसके सर पर चोट आ जाती है काव्या के और वो कह देती है साफ साफ कि अब देखना भी तुमने तो मुझे तलाक देने का ऐसे कर लिया नाटक, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। और फिर काव्या अपने अवतार में आ जाती है वापस और उसे धमकी देती है कि अब मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में ही देखूंगा। और इसके बाद वनराज भी कह देता है कि तुम्हें काले पानी की सजा देनी हो या चाहे कुछ भी करना हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ अब बिल्कुल नहीं रहूंगा। तुम्हें जेल भिजवाना हो, पुलिस बुलानी, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। और वनराज ने भी गुस्से में अपना फैसला सुना दिया है। वहीं अनुपमा इन दोनों के बीच में सुलह करवाने की कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन काव्या इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाली है और वो वनराज से बदला लेने के लिए घटिया हरकतें तो करने ही वाली है, यानी कि इतनी आसानी से वो वनराज को तलाक नहीं देगी। इनके बीच में बात बिगड़ती ही जा रही है। तो वहीं अब बाल डिसाइड करेगी, बा का अनुपमा से ये कहते नजर आएगी कि अगर काव्या को जहाँ जाना है जाने दे, लेकिन तू वापस इस घर में लौट कर आ जा, इसी से सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन अनुपमा ये इस बात को तो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होने वाली है। फिलहाल देखते हैं कि अनुपमा इन दोनों का तलाक रोक पाती है और इन समझा पाती है या नहीं।